दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप और मैं आज के इंडियन ओरिजिनेटेड एनिमेटेड कार्टून्स को बहुत गालियाँ देते हैं, लेकिन हम भी बहुत मामलों में इंडियन एनिमेटर्स को गलत समझ रहे हैं। अब केवल कुछ बकवास टीवी शोज और मूवीज की वजह से हम सभी प्रोडक्शन हाउसेस और एनिमेटेड कार्टून्स बनाने वाली कंपनीज को निकम्मे का टैग दे देते हैं। लेकिन देखो यार, सच तो ये है कि इस बड़े से मिट्टी के दलदल में एक कमल का फूल जैसी मूवी साल में एक बार रिलीज हो ही जाती है। मानते हो कि नहीं मानते? अरे देखो, मैं बात कर रहा हूँ साल 2008 में रिलीज हुई एनिमेटेड मूवी जंबो के बारे में। अब इस मूवी में खुद सुपरस्टार अक्षय कुमार ने आवाज दी थी और बचपन में ये मेरी फेवरेट मूवी हुआ करती थी। अब देखो, मुझे याद है कि जैसे ही इस मूवी की डीवीडी आई थी ना, मैं और मेरे दोस्त इसे खरीद के लेकर आए थे और लगभग हर रोज ये मूवी देखा करते थे। अब दोस्तों, जंबो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसने दिखा दिया था कि फिर चाहे स्टोरी हो या एनिमेशन, अगर आप इंडियन एनिमेटर्स के ऊपर सही पैसे खर्च करेंगे ना और उन पे भरोसा करेंगे, तो वो आपको एक टॉप क्लास मूवी बना कर देंगे। अब अक्सर ही लोग एनिमेटेड मूवीज में एनिमेशन की क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जंबो मूवी में एनिमेशन से भी ज्यादा बढ़ के जो चीज थी वो थी इसकी स्टोरी। अब देखो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज भी इसकी स्टोरी को याद करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। वेल देखो, आज मैं आपके अंदर वैसे वाली फीलिंग वापस से लाने वाला हूँ, तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अब दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शक्तिनगर के राज्य में, जहाँ जंबो का जन्म होता है। जंबो का असली नाम होता है जयवीर। अब ये नाम खुद उसके पिता युद्धवीर ने रखा होता है। युद्धवीर जंग में लड़ने वाले एक हाथी थे। मूवी के शुरुआती 5 मिनट्स में ही हमें वॉर के एक एपिक सीन्स दिखाए जाते हैं। अब मैंने आज तक किसी एनिमेटेड मूवी में इस तरह के कलर स्कीम वाले एक्शन सीन्स को नहीं देखा था। युद्धवीर दुश्मन की सेना के एक बहुत ही बड़े हाथी बख्तावर से लड़ रहा होता है, लेकिन बीच में सीन कट कर दिया जाता है और हमें बताया नहीं जाता कि वो जीतते हैं या नहीं। जंबो अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। हमें ये दिखाया जाता है कि जंबो दूसरे हाथियों से ज्यादा मेंढकों के साथ खेलना पसंद करता है। उसके काइंड और क्यूट से दिखने वाला एनिमेशन तुरंत ही लोगों को पसंद आ गया था। लेकिन जब उसके दूसरे हाथी उसके पिता का मजाक उड़ाते हैं ना, तब हमें जंबो का असली रूप दिखाई देता है। जंबो बचपन से ही अपने पिता से मिलना चाहता था, लेकिन सभी लोग उसे ये कहकर चिढ़ाते थे कि उसके पिता एक डरपोक है जो युद्ध छोड़कर भाग गए थे। अब देखो, जंबो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी माँ अक्सर ही उसे समझाती थी कि उसके पिता को इंसानों ने पकड़ कर रखा है और वो असल में एक बहुत ही बहादुर हाथी थे। इसी बीच हम मूवी में एक चिड़िया से मिलते हैं जिसका नाम दिलदार यादव होता है। अब उस वक्त तो आप इसकी आवाज को पहचान नहीं पाए होंगे, लेकिन आज अगर ये मूवी देखे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि खुद लेजेंडरी एक्टर राजपाल यादव जी ने इस कैरेक्टर को आवाज दी थी। वो जंबो और उसके झुंड को बताता है कि उसे हर जगह की खबर होती है। अब जब तक जंबो उसे अपने पिता के बारे में पूछ पाता, अचानक ही वहाँ पर इंसान आ जाते हैं। अब जंबो का पूरा झुंड इंसानों से बचकर जंगल में चला जाता है। अब रात में जब जंबो की माँ सो जाती है, तब वो उन्हीं इंसानों की बस्ती के पास जाता है अपने पिता को खोजने। लेकिन बदकिस्मती से उसकी मुलाकात खुद बख्तावर से हो जाती है। बख्तावर उसे मार कर भगा देता है और इंसान भी जंबो के पीछे पड़ जाते हैं। तब शक्तिनगर के राजकुमार विक्रम उसकी जान बचाते हैं। अब देखो, उस वक्त तक हमें ये नहीं पता था कि आगे चलकर जंबो इसी राजकुमार विक्रम का शाही हाथी बनने वाला था। अब जंबो किसी तरह उस बस्ती से निकल तो जाता है, लेकिन एक इंसान उसे दोबारा से देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और जंबो एक ऊंची खाई से सीधा पानी में गिर जाता है। वो अपनी माँ और दूसरे साथी हाथियों से बिछड़ जाता है और बस यहीं से जंबो की एक महान योद्धा बनने की कहानी शुरू होती है। घायल और भूखा जंबो सोनिया से मिलता है, जो उसे अपने इंसानी बाबूजी से मिलवाती है। अब शुरुआत में तो जंबो उन इंसानों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर वो देखता है कि सभी इंसान खराब नहीं होते हैं और शक्तिनगर के ये इंसान उतने ही परेशान थे जितना कि जंबो था। अब असल में शक्तिनगर की सेना शौर्यगढ़ से जंग में हार गए थे और इसी वजह से शौर्यगढ़ के सैनिक कुछ महीनों में एक बार वहाँ आती थी, उनका सारा अनाज ले जाती थी। अब देखो, शक्तिनगर भले ही हार गया था और वहाँ के लोग गुलाम बन गए थे, लेकिन शौर्यगढ़ से दोबारा लड़ने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। वो बस राजकुमार विक्रम के बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। अब इसी बीच जंबो को भी राजपाल यादव की चिड़िया बताती है कि उसके पिता शाही हाथी थे और वो राजमहल में है। जब जंबो उसे पूछता है कि राजमहल कैसे जाया जाए, तब राजपाल यादव कहते हैं
कि पहले जंबो को बहुत ताकतवर हाथी बनना पड़ेगा, तभी वो वहां पर जाकर अपने पिता से मिल पाएगा। और बस फिर क्या था, जंबो लग जाता है एक ताकतवर हाथी बनने में। अब मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मुझे लाइफ में मोटिवेशन चाहिए होती है तो मैं यही गाना सुन लेता हूँ। अब देखो, फाइनली जंबो कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ा और ताकतवर हाथी बन जाता है। वो शौर्यगढ़ के सैनिक जो हर महीने उनका अनाज ले जाते थे उन्हें एक झटके में हरा देता है। तब तक राजकुमार विक्रम भी बड़े हो जाते हैं और ऑफिशियली शौर्यगढ़ से जंग की घोषणा कर देते हैं। वो शक्तिनगर के सभी हाथियों को राजमहल बुलाते हैं ताकि अपना शाही हाथी चुन सके। अब जंबो भी प्रतियोगिता में भाग लेने और अपने पिता से मिलने राजमहल जाता है। अब वहाँ पर जंबो जितना ताकतवर कोई दूसरा हाथी नहीं होता है और वो हर एक प्रतियोगिता को आराम से जीतने लगता है। वो बस शाही हाथी बनने के कंपटीशन को जीतने ही वाला होता है कि अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो जोर जोर से उसका नाम लेकर बुला रही होती है। जंबो सब कुछ तोड़कर अपनी माँ को बचाने के लिए भागता है। दूसरे सभी सैनिकों को लगता है कि जंबो पागल हो गया है और वो उस पे हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी राजकुमार विक्रम वहाँ पर आ जाते हैं और जंबो को अपना शाही हाथी घोषित कर देते हैं। फाइनली इतने सालों के बाद जंबो अपनी माँ से मिल लेता है और तो और वो अपने पिता के भी बहुत करीब होता है। वो और उसकी माँ राजपाल यादव वाले चिड़िया के साथ पुराने शाही हाथियों के रूम में जाते हैं और वहाँ उसके पिता के एक दोस्त से मिलते हैं। अब बदकिस्मती से वो उन्हें बताता है कि युद्ध वीर राजा का शाही हाथी हुआ करता था और जंग में बख्तावर से लड़ते समय उनकी मौत हो गई थी। यानी कि राजकुमार विक्रम के पिता और जंबो के पिता दोनों एक साथ जंग में मारे गए थे और उनके बेटे एक साथ दोबारा जंग लड़ने जा रहे हैं। अब देखो, मुझे इस डिटेलिंग को सुनकर ना बहुत अच्छा लगा था। अब जंबो की माँ उसे युद्ध में जाने से रोकती है, लेकिन उसके पिता के दोस्त उसे ये समझाते हैं कि असली योद्धा अपना नहीं बल्कि अपने देश के बारे में सोचता है। युद्धवीर भी बिल्कुल ऐसे ही थे और अब वक्त आ गया है कि उनका बेटा जयवीर भी उसी रास्ते पर चले। जंबो एक नए जोश के साथ जंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब शौर्यनगर की सेना शक्तिनगर से बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन राजकुमार विक्रम अपनी सेना को उत्साहित करते हैं। अब मुझे ये बात भी पॉइंट आउट करनी होगी कि इस मूवी के डायलॉग्स बेहद ही एपिक थे। जिस तरह से जंबो के पिता के दोस्त ने जंबो को उत्साहित किया और जिस तरह राजकुमार विक्रम ने अपनी सेना को उत्साहित किया था, ये डायलॉग सुनकर हमेशा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी सेना हमसे बड़ी है पर ताकतवर नहीं। डरने का वक्त तो उनका है। शक्तिनगर की जय। अब शक्तिनगर और शौर्यनगर के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। राजकुमार विक्रम शौर्यगढ़ के राजकुमार को वन ऑन वन फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और शौर्यगढ़ का राजकुमार खुद बख्तावर के ऊपर बैठकर चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। अब जयवीर के पास मौका होता है अपने पिता के हत्यारे को मारने का। बख्तावर और जयवीर के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। जंबो लगभग हारने ही वाला होता है, लेकिन फिर एक बार फिर राजकुमार विक्रम उसे मोटिवेट करते हैं। जंबो और विक्रम दोनों एक साथ बख्तावर और शौर्यगढ़ के राजकुमार को हरा देते हैं। अब मुझे ये बात एडमिट करनी होगी कि ये पर्टिकुलर सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था। इसके अलावा दूसरे एक्शन सीन्स भी इस मूवी में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन 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 बदकिस्मती से इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज ने आज के टाइम में इस तरह की स्टोरी वाले एनिमेटेड मूवीज को बनाना बंद कर दिया है। आज बड़े होने के बाद में जंबो के मेन थीम बहादुरी और देशभक्ति के बारे में जान पाया हूं। अब देखो, ये मूवी अपने टाइम से कहीं आगे की मूवी थी। आप भी जाकर मूवी के कुछ एपिक मोमेंट्स को दोबारा देखिए। यूट्यूब पे इसकी फुल मूवी अपलोडेड है। वैसे दोस्तों, मुझे यकीन है कि जंबो मूवी आपकी भी वन ऑफ द फेवरेट रही होगी। अगर रही तो इस वीडियो को लाइक करो यार, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके उन्हें भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील कराओ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।